हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज अपडेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप आईफोन यूज़ करते हो और आईफोन में आपको अगर अलार्म लगाना नहीं आ रहा है तो सेटिंग में आप जाते ढूंढते हो अलार्म आप नहीं मिल रहे, अलार्म सेट करना आपको नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो सबसे पहले दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो वीडियो को आप देख रहे हो ना, आपको बस इसी खुशी में वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आपको सब्सक्राइब करके इसके साथ जो बेल है ये ऑल वाला बेल पर आपको दबा के रख देना है। और जो वीडियो देख रहे हो सिंपली नीचे कमेंट बॉक्स आता है तो इसी कमेंट बॉक्स बस आपको एक कमेंट प्यारा सा कर देना है। और फिर दोस्तों, अभी आपको कैसे करना है ध्यान से देख लो। तो सबसे पहले आपको अलार्म लगाने के लिए आपके फोन में देखना क्लॉक का ऑप्शन आएगा, आपके आईफोन में एक क्लॉक वाला एक ऐप रहेगा तो इसी क्लॉक पे क्लिक करना होगा। क्लॉक कर देने के बाद आप जैसे करोगे, कर देने के बाद इस तरफ से आएगा, फिर यहाँ पर अलार्म रहेगा नीचे और इसी अलार्म में बस आपको प्लासिन का ऑप्शन रहेगा, प्लासिन में क्लिक करना होगा। कर देने के बाद अभी मान के चलो सुबह 6 बजे अलार्म लगाना है तो इसी तरफ से ये सुबह 6 बजे लगाना है। लगाने के साथ साथ नीचे यहाँ पे 00 रख देना है, सुबह 6 बजे यहाँ पे 00 रख देना है। जैसे कि यहाँ पे 6:55, 6:57 ये देखो सुबह 6 बजे, जैसे कि सुबह 6 बजे लगाना तो AM लगाने के साथ रिपीट यहाँ पे नेवर रहने देना है। रिपीट में नेवर में आप एवरी संडे या एवरी मंडे में सारा देता हूँ, 7 दिन उठना है फिर बैक कर लेता हूँ। कर देने के साथ साथ यहाँ पर साउंड जो है आप सुन सकते हो, जो कि ये एक साउंड है और ये लगा सकते हो। लगाने के साथ फिर अभी सेव कर लेना है, सेव कर लेने के साथ साथ बस आपका जो है ये सेव हो जाएगा, सुबह अलार्म अभी 6 बजे बजने लगेगा। तो इसी तरह से फिर अलार्म को सेट कर सकते हो। फिर अलार्म को हटाने के लिए सिंपली इस तरह से इसको बस ऑफ़ कर देना होगा, फिर ये ऑफ़ हो जाएगा। फिर इसी तरह से आप जो है आपके आईफोन में अलार्म को लगा सकते हो।